Yo, what's happening guys, my name is Logi और आज हम फिर से Minecraft की एक मस्त वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और भाई साहब गाइस आप ऑलरेडी देख रहे हो तो ये रहा गाइस Minecraft का दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्री। तो गाइस मैंने आज तक गाइस Minecraft के अंदर ऐसा ट्री देखा ही नहीं है, लेकिन एनीवेज गाइस ट्री को छोड़ते हैं और बिल्कुल मेरे सामने चपाती भाई घूम रहे हैं। हेलो चपाती भाई, ये रहा पीछे पीछे माइनक्राफ्ट में सिर्फ मैं पीला नहीं हूँ, ब्लेज भी पीले होते हैं। हाँ, दोनों नुबड़े हैं। मैं आपको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? दो नुबड़े मिल चुके हैं, लेट्स गो। ए भाई मैं आपको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? चपाती भाई गाइस क्रिएटिव मोड के अंदर खेल रहे हैं। पिरो स्कीम होती है, नीचे आ जाओ भाई, ये चीटिंग होती है। ऊपर से बात करता हूँ। हाँ चलो मार लो भाई, मुझे लगेगा ही नहीं भाई, मुझे आते ही पड़ा हिट नहीं। और मेरे को साथ के साथ मिल गई भैंस की अचीवमेंट। भाई आप फ्री की अचीवमेंट मेरे ऊपर ऐसे यूज नहीं कर सकते। चलो भाई नीचे आ जाओ। और वैसे चलो मुझे बताओ कि आज तेरी भाई आते ही बारिश हो गई। चपाती भाई नीचे आ जाओ। भाई चपाती भाई होगा लगता है कि वो थोर है। भाई मैं ऊपर से मारे ऐसे तीर कमान मार के ऐसे ऐसे फ्रीकी मारी और इसी के साथ ही बादल क्रश करने लगे। अंदर घुस जाओ भाई, सो जाओ भाई, सो जाओ। अच्छा बता कर रहा क्या आज की वीडियो में? अरे आपने मुझे बुला के रखा है तो आप ही बताओ भाई, आपने मुझे आज क्यों बुला के रखा है यहाँ पे? मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ नए नए मिथ्स आ चुके हैं। आ जाओ भाई, अभी मैं क्रिएटिव के अंदर आ चुका हूँ। चल बता, तेरे पास पहला मिथ है ना, जरूर टेस्ट करना। चल बता क्या करेंगे? आ जाओ, आज मैं आपको बड़ा खतरनाक मिथ दिखाने वाला हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या करने वाले हो? तेरी भाई रहने तो। अरे आपको पता ना भाई, हमें इन गांव वालों की हेल्प करनी है आज। सुबह बेकार बंदे मुंह लग जाते हैं मेरे। ओके एनीवेज चलो, आ जाओ, अभी मैं आपको मिथ दिखाता हूँ। नुबड़े को देख लो, गांव के अंदर से पोर्टल बना के रखी हुई है, वो भी कहां पे? ओ तेरी भाई, स्मिति के घर के पास, स्मिति के साथ में यहाँ पर पोर्टल बनी हुई है भाई। ये तो गाइस माइनक्राफ्ट में वन इन अ मिलियन वाली सीड है। क्या पड़ा है, क्या पड़ा है? वो भी कर्स ऑफ बाइंडिंग भाई साहब, गोल्ड की पैंटे अंदर पड़ी हुई है। आ जाओ स्मिथि लूट के देखते हैं भाई, स्मिथि के अंदर क्या पड़ा है भाई। अंदर यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं, आयन की सोड भी पड़ी हुई है। तो यार इसने पूरी घर का रखी हुई है भाई मेरे। लेकिन एनीवेज आ जाओ, हम यहाँ पर लूट मार करने नहीं आए, आज हम यहाँ पर मिथ्स टेस्ट करेंगे। चल ठीक है, पहला मिथ कौन सा? ओके आ जाओ, अभी मैं आपको पहला मिथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस लॉक अंदर निकाला सैपलिंग, फिर स्टेन ग्लास, फिर बोन मील। करना क्या चाहता है भाई? ये स्टेन ग्लास नहीं है, ये टिंटेड ग्लास है। तो आ जाओ, अभी मैं आपको इसके साथ एक खतरनाक हैक अभी दिखाने वाला हूँ। मतलब हम हैक करने की? क्या क्या है भाई? अरे भाई आई थिंक ये, अरे ये भी मिथ का ही हिस्सा है भाई। ये वाले मिथ में बाद में टेस्ट करेंगे। यूं मेरे को लगा था कि गांव वाले ने बना के रखा है। नहीं भाई, इसने बना के नहीं रखा है भाई, ये इतने भाई ये इतने स्मार्ट नहीं है। ओके तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सैपलिंग के साथ गारंटीड बड़े वाले ट्री कैसे समन कर सकते हैं। तो ये देखो, अभी अगर मैं पीछे, ये देखो भाई पीछे आ जाओ, अगर मैं ये वाला स्पॉन करूं तो गाइस ये है माइनक्राफ्ट का नॉर्मल साइज ट्री, लेकिन मैं अभी इससे भी ज्यादा बड़े वाला स्पॉन करूंगा, ओक वाला। हाँ ओक वाला, ये देखो भाई जैसे ये वाला है ना भाई, अभी मैं आपको गारंटी ये वाला स्पॉन करके दिखाऊंगा बोन मिल के साथ। चल ठीक है कर। ओके तो बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर चार ब्लॉक्स ऐसे ऊपर बिल्ड करना होता है टिंटेड ग्लास के साथ, और नीचे की तीन आपको तोड़ देने हैं। ओके उसके बाद आपको यहाँ पर रखना होता है सैपलिंग, तो एक ब्लॉक लेफ्ट में, और अभी अगर आप इसको ऐसे उगाओगे तो ये बड़ा ट्री में समन हो जाएगा। पॉसिबल? अरे होगा। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बोन मील मारता जाऊं तो इवेंचुअली गाइस यहां पर ट्री समन हो जाएगा। कौन चपाती भाई मारते जाओ। और ये ये तो भाड़ है, ये देखा भाई उससे बड़ा तो है ना भाई। चल बे, चला है नहीं भाई। वैसे यहाँ पर जो लीव्स है मैंने आज तक कभी नहीं देखी यहाँ पर। वही तो, एक मिनट भाई आ जाओ, ये वाला फिर से टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी अगर मैं फिर से ऐसे मार के देखूं यहाँ पर, अरे आपकी बारी हो जाएगा। अभी देखा देखा भाई, बड़े वाले ट्री यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बंदे। अच्छा काम कर, अगर मैं इनको चार चार ब्लॉक में रखूं तो कितना बड़ा ट्री आएगा? अरे भाई ये सैपलिंग भाई, ओक सैपलिंग के साथ काम नहीं करता क्या भाई? छोटा सा ट्री है। तो पहला मिथ का इस लोगों का फेल हो चुका है। वैसे फेल तो नहीं हुआ, वैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा ट्री हमने स्पॉन करके रखा हुआ है। तो अगर आपको माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर बड़े बड़े ट्रीज चाहिए और वो भी ओक वाले, तो आप ये वाला हैक जो है यूज कर सकते हो। चल अभी दिखा मेरे को नेक्स्ट वाला। ओके आ जाओ, इंप्रेस नहीं हुआ ब्रो ये देख के, कुछ इंप्रेसिव चीज दिखाना। ओके आ जाओ, मैं आपको खतरनाक चीज दिखाता हूं। तो एक काम करते हैं, अभी गांव वाले के पास आ जाओ। ओके ये क्या बना कर रखे इसने? ओके तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 2 सेकंड के अंदर इस चोमू बनने की ट्रेडिंग कैसे चेंज कर सकती हैं। सीरियसली? हां तो अभी अगर मैं इसकी ट्रेड्स की तरफ देखूं तो ये हमें दे रहा है एक स्टोन का शवल और एक स्टोन का पिकैक्स। ओके तभी चेंज करने तेरे को। अभी अगर मैं इस लीवर को ऐसे घुमाऊं और अभी अगर मैं इसके पास फिर से आऊं तो अच्छा चेंज हुआ ही नहीं भाई। नुबड़े क्या कर रहा तू? एक मिनट भाई, मुझे फिर से यहां पर चेंज करना है। तो कम ऑन जॉब ले ले। और देखा अभी ये भाई चेंज हो चुके हैं। ये कैसे ये? अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो गाइस बहुत ज्यादा सिंपल रेडस्टोनिंग है। सबसे पहले गाइस आपको विलेजर को ऐसे ट्रैप करना होता है, उसके बाद आपको जॉब वाली आइटम लेनी पड़ती है, जैसे कि भाई वो कंपोस्टर हो गया और ये स्मिथिंग टेबल हो गया। हटना नुबड़े कहीं के, हटा भगा इसको, ये वही है सुबह वाला बंदा ये। और इसके बाद गाइस आपको वहां पर रखना होता है टेबल, और उसके नीचे जाएगा एक
पिस्टन, और गाइस जैसे आप ये वाला लेवर ऐसे दबाओगे ये टेबल आ जाएगा ऊपर और उसको फिर जॉब मिल जाएगी। मतलब उसकी जॉब रिमूव करके तो फिर से जॉब दे रहा है। वही तो अभी अगर मैं इसको नीचे करूं तो उसकी जॉब चली जाएगी। फिर से आगे मार इसके, इसने जॉब ले ली, नूबड़े ने इसने जॉब ले ली। जॉब नहीं करनी तेरे को, मारना हमने डिस्काउंट में दी थी। अच्छा प्राइस से बढ़ा दी इसको, इतना मारा इसने प्राइस से चकली। अभी इसको पूरा उड़ाना पड़ेगा। आ जाओ येलो, ये नूबड़े कहेंगे मर गया भाई मर गया। यार ये बात गलत है। माइनक्राफ्ट के अंदर जब विलेजर ट्रेड करते हैं और जो ट्रेड करते हैं तो जब उनको मारा जाता है तो उनकी वो चीजें गिरनी चाहिए। वैसे यार सही बात है। तो अभी आई थिंक आपको माइनक्राफ्ट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए चपाती भाई। देखो आपने बोला और बारिश शुरू हो गई। नूबड़ा इसने जॉब ले ली अभी भाई, तेरे को जॉब लेके भाग गया भाई। वो जा रहा है दूसरे गांव के अंदर भाई। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पर रख दिया है कंपोस्टर। तो अभी अगर मैं कंपोस्टर को ऐसे उठा के देखूं तो देखा भाई अभी ये दो दो एमराल्ड दे रहा है। अभी इसकी जॉब चेंज करियो। और अभी अगर मैं इसको चेंज करके इसको फिर से मैं ऐसे घुमाऊं तो अच्छा भाई। अरे वो गाजर दे रहा है, चेंज कर दिया। अच्छा चेंज कर लिया था भाई, मैंने देखा ही नहीं। और ये देखो भाई अभी बीटरूट हो चुका है। नाइस भाई, इंटरेस्टिंग है यार, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। वैसे ऑब्वियसली ये वाले हैक जो है सबको पता होते हैं। सबको पता होता है कि अगर मैं इसकी जॉब मतलब की कंपोस्टर तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं फिर से कंपोस्टर रखूंगा तो उसको नई जॉब मिल जाएगी और मेरे को नई नई चीजें देगा। तो ये कोई मिथ वगैरह नहीं है, ठीक है? ये हमको उल्लू बनाने वाली स्कीम निकाल रहा है भाई। ये मिथ है, ये देखो भाई आप 2 सेकंड के अंदर ऐसे ऐसे कर सकते हो भाई, कुछ भी नहीं होगा ये। चल दूसरा मिथ दिखा मेरे को। ओके आ जाओ, मैं आपको एक और मिथ दिखाता हूं। तो गाइस ये जो आप रेडस्टोन लैंप देख रहे हो, अगर आपको इसको एक्टिवेट करना होता तो आप ऐसे ऐसे गाइस ब्लॉक्स ऐसे बनाते हैं चपाती बाहर हट जाओ, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनाते ताकि इसको रेडस्टोन का कनेक्शन मिल जाए। और भाई ये वाले ब्लॉक्स ऐसे बनाने से भाई पूरी लुक खराब हो जाती है एरिया की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं खतरनाक चीज। तो गाइस जैसे ही मैंने ये पिस्टन खींचा वो भाई ऊपर वाला लैंप एक्टिवेट हो जाएगा। चल बे दिमाग खराब करा कर यहां पर। ओके चपाती भाई आप लीवर खींचो और मैं सबको लैंप दिखाता हूं। ठीक है रेडी, कम ऑन खींच दो। 1, 2 and 3। देखा भाई एक्टिवेट हो गया 2 सेकंड के लिए। देखा कैसे के तूने। तो भाई ये माइनक्राफ्ट के भाई खतरनाक मिथ्स है। तो गाइस जब लॉग यहां पर इसके नीचे जाता है लीव्स के अंदर, तो लीव के अंदर से गाइस यहां पर रेडस्टोन का सिग्नल जा रहा है सीधा ऑब्जर्वर के अंदर, और ऑब्जर्वर गाइस इस लैंप को यहां पर लाइट कर रहा है। अगर मैं यहां पर पिस्टन रखूं तो? हां रख लो भाई पिस्टन रख लो। चल बे डस्ट कर। तो अभी अगर मैं इसका से खींच के देखूं तो देखा पिस्टन भी चल रहा है भाई, 1 सेकंड का करंट जा रहा है वहां पर। वही तो अभी अगर मैं इसके पीछे से क्लॉक बना के ऐसे छोड़ दूं तो भाई ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो चलो चपाती भाई आप ऊपर आइटम रखो और तब तक मैं नीचे भाई यहाँ पर क्लॉक बनाता हूँ। तो गाइस क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेडस्टोन, उसके बाद आपको चाहिए रेडस्टोन का कंपैरेटर, और इन्हीं आइटम्स के साथ आपको ऐसा कुछ बना देना है। चपाती भाई क्या करो तेरी भाई, आप तो गाइस यहाँ पर भाई डिस्पेंसर हैक यहाँ पर बना रहे हो भाई। डिस्पेंसर का कौन सा होता है? अभी देखिए भाई मैं खतरनाक चीज बना रहा हूँ यहाँ पर भाई, मुझे पता नहीं आप क्या करने वाले हो यहाँ पर। अभी एक्टिवेट कर दे। ओके रेडी हो ना, लेट्स गो। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पर लीवर खींच लिया। वाह खतरनाक चल रहा है, अपने अंदर क्या रखा है भाई? फटाके रखे भाई, पटाके रखे भाई, देख ले एकदम मिसले जा रही है मिसले। खतरनाक हैकर है भाई। भाई दिवाली के टाइम लगाएंगे, बड़ा काम आएगा अपने। ये तो और ये देख रहे हो गाइस ये कितना आराम से जा रहा है। तो अगर गाइस मैं सिर्फ क्लॉक के साथ अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं तो ये एकदम से भाई रैपिड फायर की स्पीड में जाएगा, लेकिन ये वाला एकदम आराम से जा रहा है। ओके ये वाला मस्त हैक लगा मेरे को, एक्चुअली काम आ सकता है अपने। तो खतरनाक हैकर है ना। अभी नेक्स्ट वाला दिखा मेरे को। ओके अभी कुछ इंप्रेसिव दिखाई यार, ये चोमू वाले हैक मेरे को नहीं देखने। ओके आ जाओ अभी मैं आपको खतरनाक चीज दिखाता हूं। तो चपाती भाई आप इस घर के अंदर आ जाओ। ओके आ चुका हूं मैं इसके अंदर। अच्छा भाई ये घर नहीं है, सॉरी गलत घर के अंदर आ चुके। इस घर के अंदर आपको आना चपाती भाई। येरा नीचे। ओके आप इस घर के अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं है भाई मेरे। तो ये देखो चपाती भाई आपने यहाँ पर कोने के अंदर यहाँ पर मैंने ट्रैप बना के रखा है। तो अभी अगर आप नीचे आओ तो ये देखो भाई जो भी बंदा गाइस ऐसे सीक्रेट रूम बनाता है हमेशा नीचे पानी होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पानी के यहाँ पर भाई कैसे आराम से लैंडिंग मार सकते हैं। हम अगर पानी नहीं होगा तो मरेगा नीचे, तेरे दांत टूट जाएंगे। यहाँ पर डेंटिस्ट भी नहीं होता माइनक्राफ्ट के अंदर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, आज मैं आपको खतरनाक भाई मिस बताने वाला हूँ। तो गाइस मिस ये कहता है कि अभी अगर मैं यहाँ पर ऐसे पाउडर स्नो यहाँ पर रखूं तो इसको तोड़ो और इसको यहाँ रखो यहाँ पे, और अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कारपेट रखूं तो आप अभी फॉल डैमेज लोगे ही नहीं। हाँ, नाइस लेट्स गो। तो आज लॉगी हमको दिखा रहा है मरने के नए तरीके, लेट्स गो। अरे ये बड़ा खतरनाक है के। तो अभी गाइस अगर मैं सर्वाइवर के अंदर जाऊं और ऐसे नीचे आऊं तो ये देखो भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कैसे रुक मैं ट्राई करता हूं यहां पर। ओके अभी चपाती भाई जाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं आपको यहां से। और अभी मेरे को जाना है सर्वाइवल मोड में, नीचे जाके अगर मैं कूदी मारूं यहां पर और मरो। देखा आपको कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली मेरा एक हार्ट भी नहीं गया लाइक। वही तो एकदम से इंप्रेसिव है क्या। एक काम करते हैं आ जाओ भाई पूरी माइनक्राफ्ट की हाईएस्ट ब्लॉक से जंप मार के देखते हैं। ठीक है चल ऊपर पहुंचा। तो ये रही गाइस पाउडर स्नो, और अभी मुझे एकदम से ऐसे ऊपर तक उड़ना है। कमान पूरा आसमान से छलांग मारेगा लोगी। तो आप मुझे चपाती भाई 10 साल देना मैं पहुंच जाऊंगा। कितने मर गए ये। ओके रेडी हो जाओ चपाती भाई, अभी मैं गिर रहा हूँ फुल स्पीड के अंदर। वो आ रहा हूँ और लेट्स गो। मैं बच गया देखा भाई, कितने हार गए तेरे भाई, मेरा एक भी हार्ट नहीं गया। कैसे खतरनाक है ना भाई ये वाला हाइक के लिए गाइस सब्सक्राइब तो बनता है यार, ये मेरा फेवरेट हाइक है ये वाला। और इसी के साथ ही गाइस ये थे हमारे माइनक्राफ्ट के मिथ्स। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो
पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलें, टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।